क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन दिया है, एक बार देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन की वैल्यूज निकालते कैसे हैं। सो अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 4 है तो 4। अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जो भी नंबर लिखा है डेसिमल नंबर के आगे वो हो जाएगी हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 3.001 है तो ये हो जाएगी 3, यहाँ पे 2.999 है तो ये हो जाएगी 2, सिमिलरली यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3। अगर सेम कंसेप्ट से चलें तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? जैसे यहाँ पे सी इंटीजर है, यहाँ पे 3 था तो 3 की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सी की वैल्यू? सी, यहाँ पे सी प्लस है, सी प्लस एच, जहाँ पे एच हमारा कोई भी स्मॉल नंबर है। यहाँ पे अगर देखें तो सिमिलर केस है, 3 प्लस 0.001 है तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी? 3 इटसेल्फ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी सी, यहाँ पे थी 3 माइनस 0.001 समथिंग, सो इसकी वैल्यू क्या आई है? 2, यानी ये क्या आई है? 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? सी माइनस 1। सो इसी तरीके से हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज़ निकालते हैं।